हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक शुद्धि। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि संशोधन में वर्णित चार प्रकार की शुद्धि में लैंगिक शुद्धि का विस्तार से वर्णन करके 12 या 15 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो हमने चार प्रकार की शुद्धि तो कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। लैंगिक शुद्धि हम डिटेल में करते हैं। पहले आता है वमन के लिए। सम्यक वमन के क्या लक्षण होंगे? क्रमात कफ पित्त अथ अनिलश्च, यानी क्रम से पहले क्या आएगा? पहले कफ, फिर पित्त और फिर अनिल, यानी वायु। पहले कफ, पित्त, फिर अनिल। यस्य इति सम्यक वमित स इष्ट, यानी सम्यक वमन किसे बोलते हैं? जब क्रम से क्या आए, कफ, पित्त और अनिल। हृदय पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्ध। हृदय, पार्श्व, मूर्ध और इंद्रियां, ये सभी इनके मार्ग क्या हो? शुद्ध हो। तथा लघुत्वे अपि च लक्ष्मणे, और शरीर में जब लघुता आए तो इसे सम्यक वमन के हम लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो जो ये वैसे तो आपको श्लोक मस्ट है, करना चाहिए, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि पहले इसमें कफ आएगा, फिर पित्त और अनिल आएगा। ठीक है, जैसे हमने किया था कि वमन कौन सा श्रेष्ठ होता है? जो पितांत है, यानी जिसमें अंत में पित्त निकलता है। अनिल क्यों नहीं बोला? क्योंकि वायु निकलेगी वो किसी को मतलब अदृश्य होगी ना। जो पित्त है, यानी जो द्रव्य निकल रहा है वॉमिटिंग में जो निकलेगा, उसमें पित्त हमें दिखाई देगा। अनिल वायु निकलती हुई दिखाई नहीं देगी, वो सिर्फ पता चलेगा कि हाँ ऐसे पता चला, दिखाई देने में पित्त है। तो पितांत वमन को श्रेष्ठ बताया गया है। फिर आता है विरेचन की लैंगिक शुद्धि, यानी सम्यक विरेचन के लक्षण क्या है? श्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादो, श्रोतों की शुद्धि हो जाती है, इंद्रिया संप्रसाद, इंद्रिया प्रसादित प्रसन्न होती हैं। लघुत्वम, लघुता आती है। ऊर्जो अग्नि, ऊर्जो अग्नि मतलब अग्नि बढ़ेगी। न आम्यत्वम, न और आम्यत्वम, आम्य मतलब रोग को बोला, और ना यानी रोग नहीं रहता। प्राप्तिश्च विट पित्त कफ अनिलानाम, यानी पहले विट यानी मल आएगा, फिर पित्त, फिर कफ और फिर अनिल यानी वायु। ठीक है, तो विरेचन को क्या बोला है? कफांत विरेचन को श्रेष्ठ बोला हुआ है। सम्यक विरक्तस्य भवेत क्रमेण, यानी सम्यक विरेचन के ये लक्षण है क्या? पहले विट यानी मल आएगा, फिर पित्त, फिर कफ और अंत में अनिल। और इसी तरह वमन में पहले कफ, पित्त और फिर अनिल। अब हम पढ़ते हैं निरुहु और अनुवासन बस्ती के सम्यक योग के लक्षण। निरुहु बस्ती के सम्यक क्या लक्षण है? प्रशिष्ट विण मूत्र समीरत्व, यानी विण मल के लिए है, मूत्र और समीर यानी वायु, इसका प्रशिष्ट यानी अपने समय पर जो अनुकूल समय उसमें आना, यानी अपने आप मल मूत्र और जो वायु होती है उसका निकल जाना। रुचे यानी रुचि बढ़ना। अग्नि वृद्धि यानी अग्नि जो है वो हमारी बढ़ जाती है। आशय लाघवानी, जो आशय है उसमें लघुता आती है। रोगो उपशांति, रोगों की शांति होगी। प्रकृति स्थता, जो प्रकृति है यानी नॉर्मल बना रहेगा वो इंसान, रोग नहीं होंगे, प्राकृत होगा। बलम च तत्स्यात्, और बल होगा सुनिरूढ़ लिंगम, उसको निरुहु बस्ती के सम्यक लक्षण बोलते हैं। ठीक है, प्रशिष्ट विण मूत्र समीरत्वम, रुचे अग्नि वृद्धे, आशय लाघवानी, रोगोप शांति, प्रकृति स्थता च, बलम च तत्स्यात्, सुनिरूढ़ लिंगम। फिर आते हैं अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती के चार सुषुप्त में क्या बोले सम्यक लक्षण? स अनिल पुरीशस्य स्नेहे प्रत्येति यस्य तु, ओषो चोषो विना शीघ्रम स सम्यक अनुवासिता। ठीक है, यानी स अनिल यानी वायु के साथ, पुरीशस्य और पुरीश के साथ, स्नेहे प्रत्येति यस्य तु, जब स्नेह वापिस आ जाता है, ओषो चोषो विना शीघ्रम, ओष चोष के बिना, और मतलब एकदम जल्दी नहीं, और ओष चोष के बिना जब जो स्नेह है वो वायु और पुरीश के साथ वापिस आ जाता है, बिना शीघ्रता किए हुए और ओष चोष के बिना जब स्नेह वापिस आता है, उसको सम्यक अनुवासन के लक्षण बोलते हैं। फिर नस्य के क्या बोले आचार्य सुश्रुत ने?
लाघवम शीर्षो योगे, यानी शरीर में जो है वो लघुता आएगी। सुख स्वप्न प्रबोधनम, सुख स्वप्न यानी निद्रा अच्छे से आएगी, प्रबोधनम यानी निद्रा खुल भी अच्छे से जाएगी, सो के उठ के अच्छा लगेगा। विकारो उपशमनम, विकारों का शमन, शुद्धि इंद्रियाणाम, इंद्रियों की शुद्धि होगी, और मन सुखम, और मन सुखी रहेगा। ये बोले हैं नस्य के, ये तो बोले आचार्य मतलब चरक ने जो है वो पंचकर्म जो बोला है वमन विरेचन निरुह अनुवासन और नस्य ये थे, लेकिन जो ये है नस्य और अनुवासन बस्ती ये सुश्रुत आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग श्लोक है। अब जो पंच कर्मों में पांचवा रक्त मोक्ष आचार्य सुश्रुत ने माना है, तो उन्होंने क्या लक्षण बोले हैं? क्या बोला है रक्त मोक्ष के लिए? लाघवम वेदना शांति, लाघवम लघुता आती है, वेदना शांति, वेदना की शांति होगी। व्याधिर वेग परीक्षय, जो व्याधि के वेग थे वो क्षय हो जाएगा, उनका कम हो जाएंगे। सम्यक विस्त्रावते लिंगम, ये सम्यक विश्रावण के लक्षण है। प्रसादो मनस्तदा, और मन जो होगा वो प्रसन्न होगा। लघुता वेदना में शांति, व्याधि का वेग क्षय, और मन प्रसादित यानी प्रसन्न रहेगा, यह सम्यक विस्त्रावण के लक्षण। तो ये होगी हमारी लैंग की शुद्धि, जो हमने वमन विरेचन निरुवस्थि अनुवासन नस्य और रक्त मोक्षण इनकी सम्यक जो लक्षण है सम्यक योग के लक्षण वो पढ़ लिए। तो ये हमारा 12 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। थैंक यू।